नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में। यहाँ आने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, उनका अनुभव जानते हैं कि कैसा है डेरा सच्चा सौदा संस्था को लेकर। अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये बचपन से आ रही हैं इस संस्था से, पिछली इनकी पीढ़ियाँ जो लगातार आश्रम में आ रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसा लगता है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? धन धन सतगुरु तेरा आसरा। संतोष कुमारी पानीपत से आए हैं। पानीपत से आए? हाँ जी। आपने बताया बचपन से आप आ रहे हो यहाँ? हाँ जी, बचपन से ही आ रही हूँ। मैं छोटी सी थी और अपनी मम्मी के साथ आती थी मैं, और मस्ताना जी के मैंने वो किए हैं, दर्शन किए हैं। अभी मैं मस्ताना जी की किताब रोज पढ़ती हूँ। और मैम कैसा लगता है आपको माहौल यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा माहौल लगता है, बहुत दिल को शांति मिलती है यहाँ पे आके, चैन मिलता है दिल को आके। मैम आप विश्वास कितना करते हो आज संत जी के ऊपर? बहुत विश्वास रखती हूँ मैं। इस आश्रम के बारे में, यहाँ के माहौल को लेकर काफी बातें उठाई गई थी, आपका क्या मानना है यहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत सुरक्षा है यहाँ पे बहन। कभी आपको ऐसा लगा जैसा मीडिया में दिखाया गया था, जैसा टीवी में दिखाया जा रहा था पिछले 5 सालों में? नहीं, ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है संत जी का स्वभाव कैसा है, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो? बहुत अच्छा, दर्शन करते हैं, शांति मिलती है इनको देखते ही, रोज सुबह उठ के दर्शन करते हैं इनके, बहुत अच्छा लगता है। लोगों के लिए किस तरीके के काम करे हैं संत जी ने? बहुत काम किए इन्होंने, शादियां करवाई गरीबों की, गरीबों को राशन दिया, गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। आपको लगता है इस समय हमारे समाज को, लोगों को संत जी की जरूरत है? बहुत जरूरत है। सरकार से लास्ट में क्या मांग करना चाहोगे आप संत जी के लिए, अपनी तरफ से क्या बोलना चाहोगे? हम यही मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी आ जाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख सकते हो लोगों का अनुभव, इनका कहना है कि ये जो डेरा सच्चा सौदा के जो स्थापित हैं संत श्याम मस्ताना जी महाराज, तब से ये लोग आ रहे हैं और बचपन से ही आ रहे हैं, और आज भी लगातार ये पहुंच रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में। इनकी आस्था विश्वास वैसे ही जुड़ा हुआ है। ये लोग अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में वापस आए। आप भी देखते रहिए जनता का विश्वास, जनता की आवाज़, द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।